अस्सलाम वालेकुम। जो लोग इस साल अपियर होने जा रहे हैं सीएस में 2020 में, और उन लोगों ने अभी तक एक भी ऐसे नहीं लिखा है, तो वो अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के ऐसे का पेपर पास करना तकरीबन नामुमकिन है। और जब तक आप प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए पूरे ऐसे की, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आप सीएसएस कभी भी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स तैयार करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर पास नहीं हो जाता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ जाते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एवरेज आपका बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर इंग्लिश के पेपर्स आप फेल कर देते हैं, तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स में तैयारी करना, उसमें टाइम लगाना बिल्कुल फजूल है। तो जिन लोगों ने अभी तक एक भी ऐसे नहीं लिखा या प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आज से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, कम से कम पूरे महीने में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस साल के, उनके ऊपर लाजमी ऐसेज लिख लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह उतना आपको ही फ़ायदा होगा। तो और बाकी जिन लोगों को अगर ऐसे से रिलेटेड कोई परेशानी है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, या स्ट्रक्चर के हवाले से कोई मसला है, कोई बात पूछनी है, तो वो कमेंट्स में उनसे पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है ऐसे का, उसके जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो भी उसके रूल्स हैं या जो चीज़ फॉलो करनी होती है ऐसे राइटिंग के अंदर, तो वो पहले मेरी वीडियो देख लें ऐसे वाली। बाकी उसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।